नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट रिजल्ट महत्वपूर्ण नोटिस जारी। एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, कल की तारीख में जो है यह नोटिस जारी हुई है। बहुत से अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं, सर इसका क्या मतलब है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, देर शाम को यह नोटिस आई है, उसके बाद जो है मैं वीडियो आप लोग को नहीं बनाकर बता पाया हूँ। अब बता रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं 24/8/2023 को यहाँ से देख सकते हैं। इसमें दोस्तों साफ साफ दिया गया है, रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं, दिस इज इन रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं, 26/11/2022 से। अभी मैं इसका आपको हिंदी का वर्जन भी बताऊंगा। इसमें दिया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथी अंडर वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनएचएम यूपी, काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ क्लाउज नंबर आपको दिखाया दे रहा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड क्लाउज 5 ऑफ नोट ऑफ रिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें दिया गया है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ। एनएचएम यूपी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशन एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और इसके साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, दोस्तों इसका मतलब यह दिया गया क्या है, एनएचएम यूपी के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट एलोपैथी की 17,000 प्लस संविदा रिक्तियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन संख्या और दिनांक 26/11/2022 के संदर्भ में कृपया खंड संख्या का संदर्भ लें। महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है दोस्तों, और विस्तृत विज्ञापन के नोट के खंड 5 में एनएचएम यूपी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी पदों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण रिक्तियाँ संख्या और श्रेणी में भिन्न हो सकती है। इस संदर्भ में इस अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन शामिल किया गया, इसमें संशोधन किया गया है दोस्तों। अब वह संशोधन क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा, लैब टेक्नीशियन के लिए जो जब एडवर्टाइज्ड वैकेंसी आई थी उस समय महाराजगंज में 4 पोस्ट थे। मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब जो रिवाइज वैकेंसी आई है, रिजल्ट देखिए दोस्तों आपका बन के तैयार है, आने वाला है। अब क्लियर हो गया है कि रिजल्ट आप लोग का जल्द से जल्द आएगा। मैंने आप लोग से बताया था कि 25 तारीख के बाद कभी भी आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। 24 तारीख को ही नोटिस आ गई है दोस्तों, और 25 आज है, आज के बाद आपको कभी भी जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, महाराजगंज में 3 पोस्ट हो गई, पहले 4 थी अब 3 हो गई हैं। मुजफ्फरनगर में 5 थी, वहाँ पर 4 हो गई, यानी महाराजगंज में और मुजफ्फरनगर में एक एक सीट जो है घटाई गई है मैटरनल हेल्थ में लैब टेक्नीशियन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स एएनएम के लिए। देखिए दोस्तों, 15th फाइनेंशियल कमीशन, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पद रहे दोस्तों, ज़्यादा करके अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अब जब देखिए दोस्तों भर्ती आई थी, जब एडवर्टाइजमेंट के समय कितने पद थे किस जिले में, और अब रिवाइज होकर कितने आए, देखिए आगरा में बराबर है, अलीगढ़ में भी है, प्रयागराज में भी है दोस्तों, और बहराइच में दोस्तों 1 पोस्ट स्टाफ नर्स के 1-1 आए थे, लेकिन अब 5-5 हो गए हैं। बलरामपुर में भी पहले 1-1 थे, अब 4-4 हो गए हैं। बरेली में 36 था दोस्तों, अब 34 हो गए हैं। और चंदौली में बराबर है वही, चित्रकूट में भी वही है दोस्तों, इटावा में भी वही, अयोध्या में 1 जो है सीट घटी है एएनएम स्टाफ नर्स की। फर्रुखाबाद में जो है दोस्तों 3 सीटें घटी हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, पहले 12-12 थी अब 9-9 हो गई हैं। फतेहपुर में 1-1 थी और अब जो है 2-2 हो गई हैं। फिरोजाबाद में 12 हैं, और जीबी नगर में दोस्तों देख सकते हैं पहले 24 पोस्ट थी, लेकिन अब वहां से जो दोस्तों जो वहां से डाटा मिलता है उसी के अनुसार बताया जाता है कि हाँ इस ज़िले में इतनी सीटें खाली हैं, उसी अनुसार यह जो है रिवाइज हुआ है। पहले 24 थी, अब जो है 8 हो गई हैं। गाजियाबाद में 84 सीटें थी दोस्तों, अब 76 सीट हो गई हैं। गोरखपुर में 48 रही, अब 40 हो गई है। झांसी में सेम है, और कानपुर नगर में पहले 96 था, अब जो है 65 हो गया है। लखनऊ में 108 सीटें थी दोस्तों एएनएम और स्टाफ नर्स की, 108-8, अब जो है 75-75 हो गई हैं। मथुरा में बराबर ही है, मेरठ में भी है दोस्तों, आप देखते हैं। मिर्ज़ापुर में यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिर्ज़ापुर में 12-12 थी दोस्तों एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए, अब जो है 5-5 हो गई हैं। मुरादाबाद में 48-48 थी, अब 40-40 हो गई हैं। रामपुर में बराबर ही हैं। सहारनपुर में दोस्तों 1 सीट कम हुई है। शाहजहाँपुर में भी जो है बराबर ही है। सिद्धार्थनगर में दोस्तों देखिए एक एक सीट पहले थी, अब जो है 2-2 हो गई है।
सोनभद्र में भी एक एक की अब दो हो गई है, वाराणसी में 48 से बराबर ही है दोस्तों। तो पहले जो भर्ती आई थी जो है इसके लिए दोस्तों 15th फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि 15th फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। स्टाफ नर्स में टोटल 847 पद रहे यह 29 जिले में, और एनएम के लिए भी जो है 847 रहे, अब वहीं जो है घटकर 739 हो गए हैं। नियर अबाउट आपको बता दूं दोस्तों, लगभग जो है 92 पद जो है आप लोगों के कम किए गए हैं, एनएम के और स्टाफ नर्स दोनों के जो है 92 पद जो है कम कर दिए गए हैं। यानी पहले 847 था, अब जो है आपका 739 रिवाइज्ड वैकेंसी आई है, यानी 92 पद जो है कम कर दिए गए हैं। केवल किसके किए गए हैं? स्टाफ नर्स के और एनएम के, और लैब टेक्नीशियन के केवल एक दो पद जो है वो भी दो ज़िले में जो है कम किए गए हैं। तो दोस्तों अब आप लोग जान सकते हैं कि रिजल्ट आप लोग का जल्द से जल्द आने वाला है, चाहे एनएम की बहन हो, चाहे फार्मासिस्ट के भाई बहन हो, चाहे स्टाफ नर्स के भाई बहन हो, लैब टेक्नीशियन के भाई बहन हो, आप लोग जो है अपना रोल नंबर निकाल कर रख लीजिए। जल्द ही शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट जो है जारी होने वाली है, कभी भी जारी हो जाएगी दोस्तों। मैंने आपसे बताया ही था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि जल्द से जल्द ही रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द शुरू करा के आपके सितंबर माह में जो है ज्वाइनिंग होने के भरपूर चांसेज हैं। और मैंने आप लोग से बताया ही था कि लास्ट अगस्त तक जो है अंतिम सप्ताह तक जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, और आप लोग को नोटिस भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी जो 17,000 प्लस पोस्ट के लिए रिजल्ट आने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। पीईटी की क्लास शुरू होने वाली है जितनी भी एनएम बहन हैं, क्योंकि आगे पीईटी के माध्यम से ढेर सारी भर्तियां आने वाली हैं, एनएम की हैं, फार्मासिस्ट के हैं। अभी तो लोग तो दोस्तों लोग यही कहते हैं कि कहाँ भर्ती आ रही, लेकिन जब भर्ती आती है तब पता चलता है कि अरे मैं भी पेट दे दिया होता या दे दी होती तो हो जाता मेरा भी। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मुख्य सेविका की भी परीक्षा होने जा रही है, तमाम विवादों के बाद भी जो है कोर्ट से लेकर हर चीज़ हुआ, लेकिन फिर भी भर्ती जो है अपने प्रक्रियाधीन में है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।